हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक और सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और एक अच्छी खबर के साथ आप सभी को बता दें कि दिल्ली की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की नहीं बात कर रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया JMI यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है और कहाँ पर है, ओखला में। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी जो है उसका एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा, 30 अप्रैल लास्ट डेट होगी। नोटिफिकेशन जो अभी निकल के आया है उसमें क्या क्या है हम आपको दिखा देते हैं और कुछ एडिशनल जानकारी हम आपको देंगे जो अवेलेबल नहीं है अभी, लेकिन 1 अप्रैल से नोटिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन, तब तक चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी और एक वीडियो और आ जाएगी। तो इसमें हम आपको जो भी जानकारी है वो प्रोवाइड कराते हैं। चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी वहां पर आपको मिल जाया करते हैं। तो जैसा आप चाहें बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं नोटिफिकेशन। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये 21/3/2022 की ये नोटिफिकेशन है जो कि कल रिलीज हुई है, हालांकि 21 की है लेकिन रिलीज कल हुई है। तो इट इज़ टू इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न दैट द ऑनलाइन फॉर्म फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 21/22 विल बी अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन वेबसाइट। द एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम बिटवीन 1/4/2022 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक। द डिटेल रिगार्डिंग प्रोसीजर फॉर फिलिंग PhD एडमिशन फॉर्म एंड द वैकेंसीज इन वेरियस डिपार्टमेंट सेंटर आर आल्सो इंक्लोज, मतलब इसी के साथ दिया गया है। और यहाँ पर कह रहा है कि शेड्यूल फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम विल बी नोटिफाइड शॉर्टली। तो बहुत ये नोटिफिकेशन तो मिल गया, बाकी प्रोस्पेक्टस वगैरह अभी अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैं आपको पिछला प्रोस्पेक्टस दिखाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग क्या एलिजिबिलिटी, फीस और सब चीज़ें होंगी वो बता देते हैं। और यहाँ पर इंक्लोज किया गया है इसके साथ क्या कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो यहाँ पर बता दिया गया है। देखिए स्टेप्स बताया गया है कि किस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो पहले ज़रूरी नहीं होती हैं, पहले ज़रूरी होती है कि आपको सब्जेक्ट्स पता हो कि किस सब्जेक्ट में एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ PhD वैकेंसीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड सेंटर्स। तो ह्यूमनिटीज एंड लैंग्वेज में अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पर्शियंस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, उर्दू, संस्कृत, लैटिन अमेरिकन स्टडीज़। उसके बाद सोशल साइंस में एडल्ट एजुकेशन, कॉमर्स, इकोनॉमिक, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। उसके बाद और भी आप नीचे देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेचुरल साइंस में आ जाइए, बायो साइंस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, थियोरेटिकल में। फिर उसके बाद नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। उसके बाद एजुकेशन में है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आ जाइए, अप्लाइड साइंस में आ जाइए। फिर सिविल इंजीनियरिंग में है सीटें अच्छी खासी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी है, आर्किटेक्चर का है। फिर उसके बाद फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट में आ जाइए, आर्ट एजुकेशन का है। तो ये सीटों की डिटेल्स अभी इस पर नहीं दी गई है, हालांकि लेकिन आपको सब्जेक्ट बता दिया गया है और जैसे ही नोटिफिकेशन पूरा डिटेल्स में आएगा हो सकता है कि सीटों की डिटेल्स भी आ जाएँ और हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से पिछले ईयर का प्रॉस्पेक्टस था, क्या क्या डिटेल्स आगे आएंगी, क्योंकि उसी तरह से होगा, बदलाव कुछ नहीं है। ठीक है ना, गाइडलाइन फॉर PhD एडमिशन के लिए आप ये देख सकते हैं। ये हालांकि इस बार की गाइडलाइन आप हम इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन और डिटेल्स जैसे आएंगे हम आपको बताएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, 55% मार्क्स यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, आपका मास्टर्स में 55% मार्क्स होना चाहिए और भी वो आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन में जो आपका है। और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फ़ीस जो होती है वो किस तरह से होती है, तो यहाँ पर 1000 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि जो UGC, CSIR, JRF या फिर स्लेट, गेट और MPhil प्रोग्राम वाले जो हैं ये इंट्रेंस टेस्ट से एग्जम्प्ट होते हैं, ये डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। जो भी टीचर फेलोशिप होल्डर हैं वो भी यहाँ पर एग्जम्प्ट होंगे इंट्रेंस टेस्ट से, लेकिन उन्हें NOC अपना देना होगा। ठीक है, इंट्रेंस टेस्ट कैसे होता है, तो इंट्रेंस टेस्ट का मीडियम इंग्लिश में होता है, जो लैंग्वेज वाले सेक्शन होते हैं सब्जेक्ट उसको छोड़ के। ठीक है, यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट दो पार्ट में होते हैं, क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। सेक्शन ए में 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे रिसर्च टीचिंग इंस्टीट्यूट के, और इसका 1 घंटे का ड्यूरेशन होता है। तो सेक्शन बी जो होता है ये सब्जेक्ट नॉलेज का होता है, ये भी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसमें, ये 50 नंबर का होता है, इसके लिए 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है। ठीक है,
और क्राइटेरिया क्या होता है क्वालिफाई करने का एंट्रेंस टेस्ट का, तो 50% मार्क्स आपको सेक्शन ए एंड बी सेट ऑफ एंट्रेंसेस सेपरेटली सेल क्वालिफाइंग फॉर द इंटरव्यू, दोनों सेक्शन में सेपरेट आपको 50% लाना होगा तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू आपका होता है जैसे हर जगह होता है वैसे होता है, सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है वहाँ पर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह। थोड़ा सा हम आपको साइट पर ले आए हैं, ये आप साइट देख लीजिए, ये नए एक ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, और यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो रहा है, नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन 2021-22, इसी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो अभी हमने जो आपको बताया ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन के साथ बहुत जल्द ही।